गुड आफ्टरनून प्यारे विद्यार्थियों, अब तक आप सभी लोगों को मीट ऐप के माध्यम से संस्कृत गद्य का प्रथम पाठ पहला पाठ कवि कुल गुरु कालिदास का चार पैरा पढ़ा दिया गया है। अगला पैरा मैं किताब से पढ़ूंगा और आप अपना किताब अपने पास रख कर और उसमें देखेंगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और क्या अर्थ बता रहा हूँ, ध्यान देंगे क्योंकि लिख कर पढ़ाना थोड़ा कठिन कार्य हो जा रहा है। लिखा है कालिदासस्य नवनवोन्मेष शालिन्या प्रज्ञाया उन्मीलनम तस्य कृतिषु नास्ति कस्यचित् सुधीय परोक्षम। कालिदास के नई नई विकास युक्त प्रतिभा का उन्मीलन या उद्घाटन तस्य कृतिषु नास्ति उनकी रचनाओं में नहीं है। कस्यचित् सुधीय परोक्षम ऐसा किसी विद्वान का परोक्ष कथन है। पुनः देखिए, कालिदासस्य नवनवोन्मेष शालिन्या प्रज्ञाया उन्मीलनम तस्य कृतिषु नास्ति कस्यचित् सुधीय परोक्षम। कालिदास की नई नई विकसित प्रतिभा का उन्मीलन या उद्घाटन उनकी रचनाओं में नहीं है ऐसा किसी प्रसिद्ध विद्वान का परोक्ष कथन है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य स सर्वान् अतीतान् आगतान् कविन अतिशिष्य। संस्कृत काव्य के विविधेषु यानी अनेक प्रकारों में प्रमुख प्रकारेषु और प्रमुख प्रकारों में अनेक प्रकार और प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्श्य अपने कौशल को दिखाकर स सर्वान अतीत आगतान वे सभी अतीत और भविष्य में आने वाले कवियों में कविनति शिष्य मतलब कवियों में क्या है श्रेष्ठ हैं। फिर से देख लीजिए, संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलम प्रदर्श्य स सर्वानति अतीतान आगतान कविनति शिष्य। संस्कृत काव्य के अनेक और प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल को प्रदर्शित कर या दिखाकर वह सभी अतीत और आने वाले भविष्य में कवियों में श्रेष्ठ हैं। रघुवंशम कुमार संभवम च तस्य महाकाव्यम द्वयम्। रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभवम महाकाव्य उनकी दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहार च अखंड काव्य। मेघदूत और ऋतुसंहार उनके दो खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोवर्षीयम अभिज्ञान शाकुंतलम च नाटकानि सन्ति। और मालविकाग्निमित्र विक्रमोवर्षीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम कवि कालिदास के तीन नाटक हैं। नाटकानि सन्ति यानी ये तीन नाटक हैं, मालविकाग्निमित्र विक्रमोवर्षी और अभिज्ञान शाकुंतलम। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुल गुरुः सर्व अतिशायिनी कृति अस्ति। वहाँ रघुवंश नामक महाकाव्य कवि कुल गुरु कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति अस्ति मतलब रचना है। वहाँ रघुवंश नामक महाकाव्य कवि कुल गुरु कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये द्वीप द्वीपात आरभ्य अग्निवर्ण पर्यंतम इच्छाकुवंश अवतंस भूतानाम नृपतिनाम अवदान निरूपणमस्ति। इस महाकाव्य में दिलीप से
लेकर अग्नि वर्ण तक इच्छाकुवंशीय राजाओं की उदारता का निरूपण है। इस महाकाव्य में पुनः देख लीजिए, अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादारभ्य अग्निवर्ण पर्यन्तम् इच्छाकुवंश स्वतंत्र भूतानां नृपतीनां अवदान निरूपणम् अस्ति। इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक इच्छाकुवंशीय राजाओं की उदारता का निरूपण है। अगला पैरा है एको नवीन सर्गात्मकम् इदं महाकाव्यं रमणीय अर्थ प्रतिपादकम् सत सचेतसाम् हृदयम् सततम् आह्लादयति। 19 सर्गों का यह महाकाव्य रमणीय अर्थ का यानी मन को भा जाने वाले अर्थ का प्रतिपादक सत सचेतसाम् सच्चे चित वालों के हृदय को सततम् आह्लादयति निरंतर आह्लादित करती रहती है। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मोपवर्णितम् रघुवंश महाकाव्य में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। इदमपि काव्यम् अष्टादश सर्गात्मकम् अस्ति। यह काव्य भी 18 सर्ग का है। केचन समीक्षका यानी कुछ विद्वान या समीक्षक वर्ग के लोग अष्टम सर्ग पर्यंतम एव काव्यम इदम कालिदास प्रणीतम इति मन्यते। कुछ समीक्षक 8 सर्ग तक ही इस काव्य को कालिदास प्रणीतम इति मन्यते यानी कालिदास के द्वारा रचित मानते हैं। मेघदूते यक्ष यक्षिण्यो वियोगमाश्रित्य विप्रलम्ब श्रृंगारस्य पूर्ण परिपाको दृश्यते। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी एक नायक और नायिका हैं या प्रेमी या प्रेमिका माने। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी वियोगमाश्रित्य यानी वियोग पर आश्रित विप्लम्ब श्रृंगार दोनों को एक ही बोला जाता है यानी वियोग पर आश्रित विप्लम्ब श्रृंगार का पूर्ण परिपाक देखने को मिलता है या दिखाई पड़ता है। ऋतु संहारे अनवर्ततया षड ऋतुनाम वर्णितम् अस्ति। ऋतु संहार में अनुरूप 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविकाग्नि मित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च प्रेमाख्यानम् अस्ति। और मालविकाग्नि मित्र नाटक में अग्निमित्र का और मालविका के प्रेम का वर्णन है। पुनः देख लीजिए मालविकाग्नि मित्र नाटके यानी मालविकाग्नि मित्र नाटक में अग्निमित्र का और मालविका के प्रेमाख्यानम अस्ति प्रेम का वर्णन है आख्यान है या वर्ण कथन है। पंचांगत्मके विक्रमो वर्षीय पुरुर्वशः उर्वश्याश्च प्रेम कथा वर्णिता। और 5वें अंक में विक्रमो वर्षीय और पुरुर्वा विक्रमो पांचवें अंक के विक्रमो वर्षीय में पुरुर्वा और उर्वशी ये भी दो नायक और नायिकाएं हैं। पुरुर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्यस्य अस्य कवि सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृति अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्यस्य अपने नाम से धन्य इस कवि की सर्वश्रेष्ठ रचना है। नाटके अस्मिन् सप्तांकः सन्ति यानी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक हैं। नाटके अस्मिन् इस नाटक में अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में सप्तांकः सन्ति 7 अंक हैं। मेनकया प्रसूत उज्जितया
उज्जिताया शकुंतश्च पोषिताया तदनु कण्वेन परिपालिताया शकुंतलाया दुष्यन्तेन सह सहोद्वाहस्य कथा वर्णितम् अस्ति। मेनका के द्वारा प्रसूत की गई यानी जन्म देकर के छोड़ी गई, उज्जिताया छोड़ी गई, मेनकाया एक परी थी जिसके द्वारा जन्म देकर के छोड़ी गई, शकुंतश्च पोषिताया और पक्षियों के द्वारा पोषित की गई, तदनु उसके बाद या तत्पश्चात कण्वेन परिपालिताया कण्व ऋषि के द्वारा परिपालित की गई, शकुंतलाया दुष्यंतेन शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह सहोदस्य यानी दुष्यंत के साथ विवाह की कथा का वर्णन अस्ति यानी वर्णन है। शकुंतला विषय प्रथित ऐसा भणिति शकुंतला के विषय में ऐसा प्रसिद्ध कथन एक प्रसिद्ध कथन है भणिति कथन या उक्ति है। काव्येषु नाटकम् रम्यम् काव्यों में रमणीय नाटक है और तत्र रम्या शकुंतला और उससे भी रमणीय वहां शकुंतला है। एतत् नाटकम् प्राच्य पौरेतस्य समीक्षके बहु प्रशंसितम् इस नाटक को प्राच्य पौरेतस्य पूर्वी और पश्चिमी समीक्षकों के द्वारा इस नाटक को पूर्वी और पश्चिमी समीक्षकों के द्वारा यानी विद्वानों के द्वारा बहुत प्रशंसित किया गया है। अब अगला पैरा देखिए लिखा है वस्तुतः कालिदासः वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतम भारतीय कवि अस्ति। वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। पुनः देखिए लिखा है वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतम भारतीय कवि अस्ति। वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकतः तस्य कृतिषु काव्य उचित गुणानां समाहारः दृश्यते। एक ओर उनकी रचनाओं में काव्यों के उचित गुणों का समाहार दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति सर्वांगीणता भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता तत्र राजते वहां सुशोभित है और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता वहां सुशोभित है। काव्य उत्कर्ष दृष्टया तस्य काव्येषु मानो मनसः सूक्ष्म अनुभूतिम इन्द्रधनुषः कस्यापि स्वहृदयस्य चितम आवर्जयितुं पारयति। काव्यों की उत्तमता की दृष्टि से उनका काव्यों में मानो मन की सूक्ष्म अनुभूति इंद्रधनुष के समान अर्थात सातों रंग के समान किसी के भी सहृदय से सुंदर हृदय वालों के चित्त को पारयति मतलब प्रशंसित करती रहती है आवर्जितुं पारयति प्रशंसित करती या प्रभावित करने में सार्थक है। आवर्जयितुं पारयति या प्रभावित चित्त को प्रभावित करने में सार्थक है। प्रकृति अपि स्वजड़त्वं विहाय और प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर विहाय यानी छोड़कर स्वजड़त्वं अपनी जड़ता को छोड़कर प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सर्वत्र मानो सहचरिवाचरति और प्रकृति अपि स्वजड़त्वं विहाय प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सर्वत्र हर जगह मानव सहचरिवाचरति मानव के साथ विचरण करना चाहती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थम प्रथितयस रघु सभा जनम वन भिक्षा प्रसून वृष्टि भी संपादयन्ति और रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए हुए राजा के सभाजन को वन भिक्षा वन के वृक्ष या वन के तरुवर प्रसून वृष्टि भी फूलों की वर्षा कर संपादित करते हैं। पुनः लाइन देखिए रघुवंश में दिग्विजय के लिए यानी चारों दिशाओं के विजय के लिए प्रस्थान किए हुए रघु सभाजनम
राजा रघु रघु प्रस्थान के वे रघु सभाजनम रघुकुल राजा के सभाजन को वन वृक्षा यानी वन के वृक्ष प्रसून वृष्टि भी फूलों की वर्षा कर संपादयन्ति मतलब संपादित करते हैं। मेघे विरह उत्कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विफलता यह अद्वितीय सृष्टि परिलक्षते। मेघदूत में विरह से उत्कंठित यक्ष और यक्षिणी के प्रेम विफलता का अद्वितीय सृष्टि परिलक्षित होती है दिखाई पड़ती है। तत्र वाह्यंतः और वहीं बाहरी और आंतरिक यानी बाह्य और आंतरिक प्रकृतियों मर्म स्पर्श वर्णनम अस्ति। वहीं बाह्य और आंतरिक प्राकृतिक मर्म स्पर्शी वर्णन है। कवि दृष्टया मेघ धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशील मानव उपमा प्राणी अस्ति। कवि की दृष्टि से मेघ यानी बादल धूम ज्योति सलील मरुताम यानी धुआं ज्योति यानी प्रकाश सलील मतलब जल मरुताम मतलब हवा सन्निपातो न भूत्वा जल का सन्निपात न होकर के अर्थात धूम ज्योति जल और हवा का एक न होकर यह एक संवेदनशील मानव उपमा प्राणी अस्ति यानी मानव के जैसा प्राणी है। सह राम गिरे अलका आरभ्य अलकाम यावत यस्य कस्यापि सन्निधिम लभते। वह यानी वह मेघ रामगिरी से आरंभ होकर अलका तक यानी रामगिरी से अलका तक यस्य कस्यापि जिस किसी को भी सन्निधिम लभते अपने निकट प्राप्त करता है पाता है तस्मै हर्षोल्लासो वितरति उसी को हर्षोल्लास बांटता है। शकुंतला नाटक में पति गृह गमन काले यानी पति के घर जाते समय में आश्रम पादपाह आश्रम के वृक्ष या पौधे स्वभगिन्ने अपने बहन शकुंतला मतलब शकुंतला के लिए आभरणानि समर्पयन्ति आभूषण को समर्पित करते हैं। पुनः देख लीजिए शकुंतला नाटक में पति के घर जाते समय आश्रम के पौधे या वृक्ष स्वभगिन्ने शकुंतलाए अपने बहन शकुंतला के लिए आभरणानि समर्पयन्ति आभूषण को समर्पित करते हैं देते हैं। हे हरिणार्भक तस्या और हिरण सावक यानी हिरण के बच्चे तस्या उनकी मार्ग विरोधम अविरोधम मार्गाविरोधम उनके मार्ग को रोककर स्वकीयम निश्चलम प्रेम प्रकटयति अपने द्वारा किए गए निश्चल प्रेम को प्रकट करते हैं। एव उसी प्रकार ही नद्यः प्रियस्य युवा चरन्ति नदियां भी प्रेमिका की भांति आचरण करती हैं। सूर्यः अरुणोदय वेलायां स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषार बिंदु रूपाणि अश्रुणि स्वकरे परिमृजति। और सूर्य की अरुणोदय वेला का प्रकाश स्वप्रियतमा या अपनी प्रियतमा यानी शकुंतला की अपनी प्रियतमा नलिन्या यानी कमलिनी कमल के माध्यम से वह कवि शकुंतला को बता रहा है। तुषार बिंदु रूपाणी यानी शकुंतला जब रो रही हैं उनके आंसू को कवि प्रकृति के माध्यम से तुषार यानी ओस रूपी बूंद को अश्रुणि स्व करे जैसे अरुणोदय बेला में सूर्य के प्रकाश से ओस की बूंदें सूख जाती हैं तो उसी प्रकार कवि वर्णन किया है कि जब स्वप्रियतमा यानी उनकी प्रियतमा अर्थात शकुंतला अपने पति के घर जा रही है तो उनके आंसू को अपने किरण रूपी हाथों से अरुणोदय बेला या अपने सूर्य प्रकाश रूपी किरण प्रकाश के किरण रूपी हाथों से तुषार बिंदु रूपाणी यानी ओस बूंद रूपी अश्रुणी अश्रु को स्व करे परिमृजति अपने हाथों से पोषता है अर्थात
शकुंतला के आंसू को पोंछता है। अगला पैरा, कालिदास काव्येषु अंगी रसन श्रृंगारो अस्ति। कालिदास के काव्य में, कालिदास के काव्यों में अंगिरस यानी श्रेष्ठ रस या प्रधान रस श्रृंगारो अस्ति, श्रृंगारस है। तस्य पुष्ट्यर्थम करुणादयो अन्यो, करुणादयो अन्य रसा अंगभूता, और उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य अन्य रस सहायक हैं, अंगभूता यानी सहायक हैं। रसानुपम कुचित प्रसाद कुचित माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्ष सहायम कुरुतः, और रस के अनुरूप कहीं प्रसाद गुण और कहीं माधुर्य गुण उनके काव्यों की उत्कर्ष के लिए उत्तमता के लिए सहायता करते हैं। वैदर्भीरीति कालिदासस्य वाग्यस्य एव सर्वत्र अनुवर्तते, और वैदर्भीरीति कालिदास की वाणी का ही हर जगह अनुसरण करती है। अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीयो अद्वितीयः, और अलंकार की योजना में, अलंकार के योजना में कालिदास अद्वितीय हैं, अर्थात कालिदास के जैसा कोई अलंकार करने वाला, काव्य का अलंकार करने वाला कोई कवि नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीय, यानी अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्य उक्ति, यद्यपि उपमा कालिदासस्य उक्ति, जबकि उपमा कालिदासस्य उक्ति उपमा योजना या एवं उपमा की योजना में ही कालिदासस्य वैशिष्ट्यम आख्याति, यानी कालिदास की विशेषता का वर्णन करती है। तथापि तब भी या फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास, उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास आदि अलंकाराणां अलंकाराणां विनियोग तेन अतीव सहजतया कृतः, और उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों के प्रयोग से उन्होंने अत्यधिक प्रयोग, उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अति सहजता से किया है, अर्थात अति बहुत सरल ढंग से किया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुंतले वस्तु विन्यासः अनुपमः, यानी कालिदास की नाट्य रचनाओं में विशेषतः शकुंतला के शकुंतला नाटक के वस्तु विन्यास का वस्तु विन्यास अनुपम और चरित्र अनुपम है, और चरित्र चित्रण सर्वथा अनवद्या, और चरित्र चित्रण सर्वथा निर्दोष है। संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति, और संवाद शैली संप्रेषण से युक्त है। समम एव साथ ही समम माने साथ होता है, सह समम साकम सबका चारों का अर्थ साथ है, और यहाँ पर लिखा है समम एव यानी साथ, इसके साथ ही भारतीय संस्कृति अनुमतानाम धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलाना मानव मूल्यानाम प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यमस्ति, और भारतीय संस्कृति के मतानुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदासस्य वैशिष्ट्यमस्ति, कालिदास की विशेषता है। आश्रमवासी शकुंतलाम निवरणे मनसि काम प्ररोह अनुभूय दुष्यंत तावत शांति न लभते यावत ताम क्षत्रि परिगृह क्षमा विश्वामित्रस्य दुहितेयम् इति न अवैति। आश्रमवासी यानी आश्रम में रहने वाली शकुंतला को देखकर मनसि यानी मन में, शकुंतला को देखकर आश्रमवासी शकुंतला को दुष्यंत देखकर मनसि काम प्ररोह अनुभूय यानी मन में उठे काम के अंकुर की अनुभूति, तावत शांति न लभते तब तक शांत नहीं होती। पुनः देख लीजिए, आश्रमवासी यानी आश्रम में रहने वाली शकुंतला को, यहाँ पर दुष्यंत की बात कही जा रही है, जब आश्रम में दुष्यंत पहुंचते हैं तो वहां शकुंतला को देखकर उनके मन में काम उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर लिखा है काम प्ररोह अनुभूय यानी काम की
कामांकुर उनके मन में अनुभूति होती है कामांकुर की, यानी काम प्रस्फुटित होता है मन में, और वह तब तक तावत शांति न लभते, और वह तब तक शांत नहीं होता, तब तक शांत नहीं हो पाता, न लभते तब तक शांत नहीं हो पाता यावताम, जब तक कि क्षत्रिय परिगृह क्षमा विश्वामित्र से क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने योग्य विश्वामित्र से विश्वामित्र की दुहितम इति एवं न अवैती, यानी विश्वामित्र की पुत्री न जान लेते। कर्वस्य अनुज्ञान बिना, यानी कर्व ऋषि के आज्ञा के बिना गांधर्व विधिना कृतः विवाह, यानी गांधर्व विधि से विवाह कर उभावपि, यानी दोनों तावत प्रताड़यति, तब तक प्रताड़ित होते हैं, तब तक परेशान रहते हैं, यावत एकतः जब तक कि एक ओर शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में तपश्चरणेन तपस्या के द्वारा अवज्ञा जनितम कलुषम न क्षालयति, यानी अवज्ञा जनित अपमान जनित पाप को न धो लेती। और अपरतः और दूसरी ओर दुष्यंत अंगुलीय लाभेन यानी अंगूठी के पाने से लब्ध स्मृति को प्राप्त कर सन विषम पीड्यमान अत्यधिक पीड़ित होता हुआ प्रायश्चित अग्नि प्रायश्चिताग्नौ, यानी प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि न कूते आत्मशुद्धि नहीं कर लेते। तदंतरम एव तयो, और उसके बाद ही तयो यानी दोनों दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम, उसके बाद दोनों की दाम्पत्य प्रेम निष्कलुष अर्थात निष्कलुषम भवति पाप रहित होता है, और पुत्र लब्धो च परिणमते, और पुत्र और दोनों पुत्र प्राप्ति से परिणित होकर के प्रतिफलित होते हैं। अब दो पैरा आ गया विद्यार्थियों, अगले दिन जितना पढ़ाया गया आप उसको अर्थ सुन करके नोट बनाते रहें, डांस पढ़ते रहें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, इससे जरूर आता है परीक्षा में।